हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्लेम बेस्ट। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को केजीआर टेक्निक के बारे में बताऊंगा। आप लोग केजीआर टेक्निक को यूज़ करके आप लोग कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस होगी। आप लोग अगर वो ट्रिक यूज़ करते हो, अगर केजीआर मेथड से आप लोग अगर आपके क्यूआर को रिसर्च कर सकते हो ना, तो आप लोग बहुत बेनिफिट पाओगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी नहीं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो होगा केजीआर मेथड के बारे में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो केजीआर सीट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस केजीआर सीट की मदद से आप लोग लो कंपटीशन, हाई कंपटीशन की और यहाँ पे आप लोग फाइंड कर सकते हो इजीली। और अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करोगी और बेस्ट कीवर्ड अगर आप लोग फाइंड करोगी, तो आप लोग अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो ना, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कम्प्लीटली प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप लोग लो कंपटीशन कीवर्ड रिसर्च करके आप लोग आपकी एफिलिएटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करके गूगल के ऑर्गेनिकली प्रमोट करके आप लोग कैसे सेल जनरेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड यहाँ पे आप लोग के लिए टाइप करके रखा हुआ हूँ, और उसका जो सर्च वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी कीवर्ड यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग केजीआर टेक्निक को यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च करते हो, तो आप लोग को डेफिनेटली आपकी जो पोस्ट होगी वो रैंक होने में चांस बहुत ज़्यादा है। 100% आपकी जो पोस्ट रैंक होगा ज़रूर। और यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोग 0.04 जो उसका जो डिफ़िकल्टी और 0.40 यहाँ पे डिफ़िकल्टी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप केजीआर टेक्निक को यूज़ करते हो तो आप लोग ध्यान दो, 0.25 से ऊपर आपकी जो कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी ना जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि केजीआर यहाँ पे आप लोग को डिफ़िकल्टी वगैरह देखने को मिलेगी। जितना नीचे आओगी 0.04, 0.01, 0.07 इस तरह की डिफ़िकल्टी अगर आपको मिलती है, तो आप लोग बहुत बेटर कीवर्ड आप लोगों ने ढूंढी है। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको लोग को मिलती है, जैसे कि 0.25, 0.23 इस तरह की कीवर्ड, आप लोगों को इतना बेनिफिट नहीं देगा, आपकी पोस्ट रैंक नहीं करेगी। अगर आप लोग फ्रेशर हो, अगर आप लोग एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप लोग को ये केजीआर मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आप लोग बेसिकली, आपको पता होगा कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइज, हम लोग इस तरह के आज एक कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और कीवर्ड रिसर्च करके हम लोग केजीआर मेथड के थ्रू का हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे बेसिकली। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल के अंदर जाना पड़ेगा, और जो भी आपकी प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप पोस्ट लिख के उसे गूगल के अंदर टॉप रैंकिंग पे लाना चाहते हो, तो आप लोग वो कीवर्ड को पहले यहाँ पे ऐड करोगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक कीवर्ड जो कि है वॉचेस। यहाँ पे जैसे ही मैंने वॉचेस यहाँ पे लिखा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आपके सामने कुछ क्वेरी यहाँ पे सर्च जो कि होती है हर दिन गूगल के अंदर, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो सिंपल मेन, वोमेन, गर्ल, बॉयज, मेन ब्रांड्स, इस तरह की सारी ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगी। सिंपल अगर आप जिसको टारगेट करना चाहते हो, उन लोग को टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली आप लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड आप लोग को चाहिए, तो इसीलिए आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करो। आप लोग की सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, आप लोग की डिफ़िकल्टी कम होना चाहिए, तब जाके आप लोग का जो कीवर्ड है ना, पोस्ट है ना, वो रैंक करेगी गूगल के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे पहले हम लोग जस्ट फॉर वोमेन के ऊपर मैंने क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा यहाँ पे आप लोग को कुछ डाटा वगैरह देखने को मिलेगी। सिंपल मैं जो पिछले वीडियो के अंदर बताया था कुछ एक्सटेंशन के बारे में, तो उसी एक्सटेंशन को भी आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग को यहाँ पे आप देख सकते हो एक केज जैसा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। इस एक्सटेंशन को यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप लोग की मंथली सर्चेस वगैरह यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। तो सिंपल जिस भी कंट्री को अगर टारगेट करना चाहते हो, बेसिकली वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग उसकी जो सर्च वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 जो कि एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करी हूँ, जो कि आप लोग को US के अंदर 90,500 की सर्चेस वॉल्यूम देखने को मिलेगी, जो कि वॉचेस फॉर वोमेन, और इंडिया के अंदर 1,35,000 आप लोगों को देखने को मिलेगी सर्चेस।
और सीपीसी यहाँ पे यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है और इंडिया के अंदर 0.08 की सीपीसी जो कि बहुत ज़्यादा लो है। तो अगर आप यूएस को टारगेट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे आप लोग वॉचेस फॉर ओमेन और उसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे स्पेस दोगे ना तो आपके सामने बहुत सारी क्वेरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग वॉचेस फॉर ओमेन अंडर 1000 रुपीज़ मैंने क्लिक करा, तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारी क्वेरी फिर से निकल के आ जाएगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि सर्च रिजल्ट यहाँ पे इतना आप लोग को देखने को मिल जाती है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो सर्च, ये जो कीवर्ड की सर्च यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी 90। ओके, और इंडिया के अंदर आप लोगों को 480 आप लोग को कीवर्ड मतलब उसका सर्चेस देखने को मिल जाती है। तो सिंपल आपको ये कीवर्ड को अगर आप चाहते हो ये कीवर्ड को सिंपल ले सकते हो। ओके, पहले हम लोग उसकी डिफिकल्टी वगैरह चेक करेंगे। यहाँ पे फिर से मैंने स्पेस दिया, जैसे स्पेस दिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फास्ट ट्रैक वॉचेस ओमेन फॉर वुमेन्स बिलो 1000। यहाँ पे आप लोग को सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो, तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग की जो सर्चेस धीरे धीरे घटता जा रहा है। जितनी आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करोगी उतनी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अबाउट 74 रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट आप लोग को 74 देखने को मिलेगी। ओके, तो बेसिकली उसका जो सर्चेस यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअली 10 यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपल अगर मैं उसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लाके उसे पेस्ट करता हूँ जो उसका सर्च वॉल्यूम होगा 10। ओके, और यहाँ पे ऑल इन टाइटल को यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले ऑल इन टाइटल देन कॉलम, उसके बाद मैं सर्च करके देखता हूँ कितनी पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो पोस्ट है सिंपल दो पोस्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे दो पोस्ट मतलब यहाँ पे मैं डाल दूंगा दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो डिफिकल्टी, यहाँ पे मैं वो कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करता हूँ जो कि आप लोग को पता चलेगा कौन सी कीवर्ड और उसका जो वॉल्यूम कितना है और ऑल इन टाइटल कितना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल जो कि मैंने फास्ट ट्रैक वॉचेस फॉर वोमेंस बिलो 1000 यहाँ पे मैंने ऐड करा, जैसे ही ऐड करा उसका वॉल्यूम यहाँ पे मैंने सर्च करा जो कि है उसका जो पर्टिकुलर वॉल्यूम जो कि था 10। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि इंडिया के अंदर यहाँ पे आप लोग को मतलब यहाँ पे यूएस के अंदर आप लोग को 10 यहाँ पे सर्चेस उसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो सर्च वॉल्यूम 10 यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, जो कि मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ करा, मैं आप लोग को अभी भी बताया था। ये एक्सटेंशन अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ करो, आपके सामने इस तरह की जो सर्चेस वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग RF टूल की यूज़ करते हो, सोमरेस को यूज़ करते हो, तो आप लोग उससे भी यूज़ कर सकते हो। पेड टूल यूज़ करके आप लोग उसका जो पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम भी, पर्टिकुलर तो आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगी बट आस पास की जो सर्च वॉल्यूम आप लोग को उसके अंदर भी मिल जाएगी। तो सिंपल वो सर्च वॉल्यूम को यहाँ पे आप ला के डाल सकते हो और उसका जो ऑल इन टाइटल अगर आप लिखोगे तो आपके सामने जो भी रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट को यहाँ पे डालोगी तो आपके सामने उसका जो डिफिकल्टी आ जाएगी। तो सिंपल उसका जो डिफिकल्टी है 0.20। देखो बेसिकली अगर आपको किसी पोस्ट को रैंक करना है तो उसका लोग सर्च करना चाहिए। ओके, जो चीज़ जो भी प्रोडक्ट वगैरह सर्च होता होगा अगर वही सेम प्रोडक्ट सेम चीज़ को अगर आप लोग आपकी पोस्ट के अंदर डालते हो ना, उसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप लिखते हो ना पोस्ट, तो आपकी जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छी रिजल्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फास्ट ट्रैक वॉचेस फॉर वोमेन बिलो 1000 यहाँ पे ऐड करा, उसका जो वॉल्यूम था 10 और ऑल इन टाइटल जो कि दो पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है वही दो पोस्ट को मैंने यहाँ पे ऐड करा। और यहाँ पे जो केजीआर की जो मेथड की हम लोगों ने गया था केजीआर मेथड को यूज़ करके हम लोग उसका जो डिफिकल्टी देखी है ना जो कि 0.20 जो कि ग्रीन के अंदर दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं। हमारा जो पोस्ट है ना वो जैसे लिखेंगे हम लोग हमारा जो पोस्ट है आके 2 या 3 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप लोग आपकी जो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बेसिकली। और उसके बारे में और भी कम्प्लीटली डिटेल्स वीडियो हम लोग लाएंगे आपके लिए और भी बेटर कीवर्ड आप लोग को दिलाने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका जो
कंपटीशन बहुत लो है यहाँ पे। आप देख सकते हो बेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश कंज्यूमर रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। उसका जो केजीआर मेथड यूज़ करके हम लोगों ने सर्च किया था, उसका डिफिकल्टी 0.01 है, बट उसका जो सर्च वॉल्यूम 1900 है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड आप लोग देख सकते हो, उस कीवर्ड को अगर यूज़ करते हो आप लिख आपकी ब्लॉग के अंदर, और एक कीवर्ड की यूज़ करके अगर आप ब्लॉग पोस्ट भी लिखते हो ना, तो आपको आप जो ब्लॉग है ना वो रैंक करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ओके तो गाइज ये था कुछ इन्फॉर्मेशन केजीआर टेक्निक के बारे में। हम लोग इसके बारे में डिटेल और भी एक वीडियो लाएंगे। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर आप लोग को ये वीडियो मिल रहा है, जो कि फोर्थ मॉड्यूल एसईओ के अंदर हम लोग ये चीज़ सिखा रहे हैं आप लोग को। ये जो केजीआर मेथड के बारे में हम लोग और एक डिजिटल वीडियो लाएंगे, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग वीडियो होगा। हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक मॉड्यूल है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग, उसके अंदर हम लोग कम्प्लीटली आप लोग को वीडियो देने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को मिस मत करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी नहीं है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक इंटरेस्टिंग और जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।